नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज जो अपना रिमाइंडर थ्योरम जो शुरू कर रखी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ये एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अब आज हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नई थ्योरम आपको समझाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। हाँ, पहले ये शेषफल। आज शायद आवाज़ आपको ठीक लग रही होगी और आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो शेषफल को आज हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम के बारे में बताता हूँ। ये है कैंसिलेशन थ्योरम, ठीक है। कैंसिलेशन थ्योरम, ठीक है। कैंसिलेशन थ्योरम ये कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बात बताता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, फिर उससे आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे है, 36/15, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो 15 × 30 और बचा रिमाइंडर कितना, 6, ठीक है। ऐसे हमने बेसिक रूप से कर लिया। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसको करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए ये कैंसिलेशन थ्योरम का यूज करना पड़ा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमारा किससे कट सकता है, ये हमारा कट सकता है 3 से, ठीक है, और ये हमारा 3 से कट सकता है, ठीक है। 3 से कटा तो 3 को रख लेते हैं अलग, 3 को रख लेते हैं अलग, ठीक है, 3 को रख लेते हैं अलग। इसको थोड़ी देर हटा दो, 3 को रख लेते हैं अलग। देखो 3 से काटा, 12 × 36 और 15 × 15, ठीक है, ऐसे काट लिया हमने। अब 5 और 12 हमारे पास ये है, 5 और 12 हमारे पास ये है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 × 10, तो यह रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ये जो 3 से डिवाइड किया था ना इनको दोनों को, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वही वापस 6 रिमाइंडर। पहले भी 6 आया था और अब भी वापस आके 6 आया है, ठीक है, पहले भी 6 आया था, अब भी वापस आके 6 आया है। अब देखो बड़े क्वेश्चनों में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, 97, 96, 173 × 27 × 51 / 100, ठीक है, बटे है सौ, ये है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, देखो मैंने बताया था आपको कि 100 है, 100 को इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बच रहा है 4। अब इसको करेंगे 200 पे ले जाएंगे, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच गया, या कितना बच गया, 200 में से कितना कम करेंगे तो माइनस का शायद 27 आएगा यहाँ पे, ये 27 आए, ये क्या, इसको तो मल्टीप्लाई करना है अपने आप में, बहुत बड़ा झमेला हो गया। फिर उसको फिर से 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, तो इससे अच्छा है इसको क्या करें हम, इससे अच्छा है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, 24 × 96 और 25 × 100। तो इस 4 को याद रखना आप, क्योंकि ये लास्ट में काम आएगा, इस 4 को याद रखना, ये लास्ट में काम आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब देखो 25 है और ऊपर ये पूरी रकम है, ये 96 की जगह 24 बन गया है, 100 की जगह 25 बन गया। अब 25 को इससे करेंगे तो यहाँ आएगा 3, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा -1, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 25 × 75, मतलब 150 तो भूल जाओ, 100 × 25 एक पूरा कटेगा, 73 बचेगा, 73 × 75 - 2, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 25 प्लस का 2, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1, ठीक है, प्लस का 1, ये बचेगा पूरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको करते हैं पूरे को मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस बना देगा प्लस। अब इन पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है, 3 × 6, 6 × 12, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो 12 ही आएगा, ठीक है, 12। अब इस 4 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 4, 12 × 48, 48 इसका क्या आएगा आंसर,
तेरी। ठीक है, इसका 48 इसका आंसर आएगा। ये सर ने ही गलत कर दिया भाई, माइनस। ओहो, अरे 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 भाई, एक 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 ये माइनस हो रह गया था। 97 है, 2500 का 100 होता है, 97 से माइनस 3 बनेगा, और माइनस 3 के हिसाब से ये आंसर कितना निकाल के आएगा, माइनस 12। भाई ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है, ये एक माइनस और निकाल के आएगा। ठीक है, आप बाद में बताते। ठीक है, तो जब माइनस 12 आया है, नीचे 25 है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, क्योंकि आंसर माइनस में तो होता नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, 25 में से 12 गया कितना बचेगा, 25 में से 12 गया कितना बचेगा, 13। ठीक है, 13 आंसर आएगा, ये हमारा आंसर है पॉजिटिव 13। अब इस 4 को यूज करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक 52। ठीक है, 13 चौक 52 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहले भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी, तो मुझे बाद में पता चलता था। ठीक है, तो आज मैंने हैंड टू हैंड देख लेनी, फिर भी बाद में पता चलता। ठीक है, तो इसको अभी सोल्व करते जाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन थ्योरम। ठीक है, ये है शेषफल, रिमाइंडर की थ्योरम है एक। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। 28/9 और 28 की पावर 51 28/9 और 28 की पावर 52 यहाँ लेते हैं 26/9 ठीक है, 26/51/9 और 26/52/9 ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इनके आंसर क्या क्या आते हैं देखो, आपको समझा देते हैं। ठीक है, इनके आंसर क्या क्या आते हैं वो समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए 9 × 27 एक फालतू गया, रिमाइंडर बचा एक। ठीक है, 9 × 27 एक बच रहा है, 1 की पावर 51 का मतलब क्या हुआ, एक। ठीक है, एक ही बचेगा, इसके बटे में 9 करेंगे तो वही बात। ठीक है, ये है 1 की पावर 52, ये 52 भी वही बचेगा, 1 की पावर 52। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी 1 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसमें भी अपना 1 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसमें पंगा खड़ा होता है देखो कैसे, 9 × 27 एक माइनस का आ गया, माइनस का एक आया, माइनस का हमारा आंसर होता नहीं है, तो 9 − 1 करते हैं और आंसर निकाल के देते हैं 8। 9 − 1 करते हैं और आंसर निकाल के क्या देते हैं, 8 आंसर निकाल के हम देते हैं। ठीक है, ये क्या बचा, ये भी बचा माइनस का 1, पर इसकी पावर है 51 और फिर है 9। ठीक है, इसकी पावर है 51 और फिर है 9, ये क्या बचेगा, ये भी माइनस 1 ही बचेगा भाई, 51 की पावर ओड हुई, ये 51 ओड है ना, माइनस की पावर ओड है तो आंसर किस में आएगा, ओड में आएगा, तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस 1 हम लेते नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, ये है 9 × 27 माइनस 1, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है इवन, इसकी पावर क्या है, इवन, इवन मतलब होता है सम और ओड मतलब होता है विषम। ठीक है, तो ये 9, तो जब किसी किसी भी माइनस वाले की पावर जब इवन होती है तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव में आता है। कैसे आता है देखो, आपको मैं बता देता हूँ कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये दिख रहा होगा, तो ये ऐसे आता है, मान लो हमारी 2 है, 2 की पावर माइनस का 2 है, इसकी पावर है 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू इंटू दिख रहा है ना, -2 × -2। अब बताओ, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या निकाल के दे गए, प्लस का 4 निकाल के देगा, प्लस का क्या निकाल के देगा, प्लस का 4 निकाल के देगा। तो ऐसे ही हमारे इसकी आंसर क्या आएगा, 1, इसका आंसर क्या आएगा हमारे का 1। तो ये है कुछ बातें जो याद रख लेना, ठीक है, रिमाइंडर में, और नोट कर लो जल्दी से रोक के। ठीक है, पॉज करो और इसको नोट करो।
थ्योरम जितनी भी होती है वो एक भी नहीं छोड़ूंगा, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करवाता चलूंगा, ठीक है। 2 की पावर 62/9 क्वेश्चन है, 2 की पावर 62/9 रिमाइंडर बताइए, मतलब शेषफल बताइए। तो हम क्या करें कि 8 के आसपास आए, भाई प्लस माइनस करना चाहिए, निचले वाले के पास ही लाना है हमें, ठीक है। बात क्या है, हमें निचले वाले के पास लाना है। तो 2 की पावर कितनी करेगी, 9 के 1 फालतू 1 कमा जाए, तो 8 होता है 2 की पावर 3 जो 9 के पास आता है। पर 2 की पावर जो 3 होता है वो 62 तक नहीं जाता, 2 की पावर 3 होता है वो 60 तक जाता है। तो हम ऐसे लिख ले इसको, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 × 20 भाई 20 60 वही 2 की पावर 60 लिख दिया हमने, और यहाँ क्या लिख दिया हमने 9, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 × 8 की पावर 20/9। अब मुझे बताओ 4 की पावर 4 का ये है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 4 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या आया, यहाँ आया -1, -1 की पावर जब 20 करेंगे तो क्या आएगा, +1, तो +1 × 4 तो आंसर क्या आया अपना, रिमाइंडर 4 रिमाइंडर निकल के आया, ठीक है। रिमाइंडर क्या निकल के आया अपना, 4। नोट कर लो और देख लो एक बार, ठीक है, रोक के। और कुछ भी गड़बड़ या कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में करके बता दिया करो, जैसे मैं देख लूँ उसको, नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा कुछ गड़बड़ होगी तो, या आप ही गलत समझ रहे होंगे तो फिर उसका भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज, 7 की पावर 400/400। ओके बॉस, हाँ भाई ये SSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं आपको, देखो ये याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना। 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 जो होता है वो होता है 49, मतलब 49। 7 की पावर जो 3 होता है वो होता है 343, ठीक है। 7 की पावर जो 4 होता है वो होता है 2401। इनको याद रख लेना, ठीक है, इनको याद रख लेना। एक अब ये बोलोगे कि ये तो हमारे याद है ही नहीं, तो इसको कैसे बनाए, इसको मैं बता रहा हूँ ना, तो याद कर लो, ठीक है। इनको मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको ये समझाता चलो, ठीक है। 7 की पावर कितनी करें कि 4 के पहाड़े में आए, 7 की पावर कितनी करें कि 4 के पहाड़े में आए, तो हमें पता है 4 × 6 = 24 होता है, फिर एक फालतू है, तो 7 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो 7 के पहाड़े में हमारे आ जाएगा। 7 की पावर 4 की पावर 100 भाई 400 है, तो 4 × 100 करेंगे 400 बन जाएगा, दोबारा से नीचे है हमारे अपने पास 400, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2401/400/100 ऐसे है। 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 यहाँ बचा क्या, प्लस का वन बचा, प्लस के वन की जब 100 पावर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1 आंसर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट ये याद होना चाहिए तभी ये सिंपल है, नहीं तो नहीं है सिंपल, ये याद होना चाहिए। बहुत ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 की पावर 63, 3 की पावर 63/82। मैंने इनकी वो लिखवाई थी सभी की स्क्वायर, 3 की नहीं लिखवाई तो ले लिख देते हैं। 3 की पावर 1 होता है 3, ठीक है। 3 की पावर 2 जो होता है वो होता है 9, 3 की पावर 3 जो होता है वो होता है 27, ठीक है। 3 की पावर 4 जो होता है वो होता है 81, ठीक है। इससे आगे याद नहीं करना आपने। और 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 324, 243, ठीक है, यही होगा ना, हाँ यही होगा भाई, हाँ यही होगा, ठीक है, ये होगा।
याद रखो कि तीन की पावर कितनी करें कि इसके प्लस या माइनस में एक में आ जाए, एक दो में, ठीक है, एस एक में लाना है बात है। ये हमारा घूम फिर के दिमाग यही काम करना चाहिए कि तीन की पावर कितनी करें कि इसके पास आए, रिमाइंडर लेके आना है प्लस वन माइनस वन में सोल्व होगा, पता है आपको, ठीक है। तो हमें पता है तीन की पावर जो चार होता है वो होता है 81 और यहाँ है 82, ठीक है, तो माइनस वन रिमाइंडर बच जाएगा। अब एक पंगा और खड़ा होता है कि 24 न चार जो है वो 62 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो कितना करता है वो देख लो। तीन की पावर भाई चार एकम चार, चार तीय 12, चार एकम चार और बचता है दो, चार पाँच बीस, चार छः 24, चार पाँच 20, 15 पे कटेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 9 चौकी 60, चार की पावर 3, ठीक है, और ये आएगा ऐसे खुल के, ठीक है, ऐसे खुल के आएगा, चार की पावर 3 है, ठीक है, चार की पावर 3 को तो लिख सकते हैं 27 और इसको, अरे ये क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया 4 और फिर 15, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 15 चौकी 60 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, पूरे हो गए 63, ठीक है, तो 3 को तो लिख दिया 27, ठीक है, और इसको क्या लिख दिया 81 की पावर 15। भाई याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, मुँह से निकल जाता है गलती से, कभी लिखा जाता है उठपटांग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या बच रहा है, ये तो 27 ही बचेगा, ठीक है, ये तो आएगा 27 ही, यहाँ क्या आ रहा है माइनस वन, माइनस वन की पावर है माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 27, भाई 27 इंटू में माइनस वन होगा क्योंकि माइनस वन की पावर इवन ऑड है तो माइनस वन ही देगा, माइनस वन को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 आंसर देगा, जब माइनस 27 आंसर देगा तो आपको पता है आंसर 27 जो है माइनस का होता नहीं है, तो 82 में से 27 घटेगा, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा 5, ठीक है, 6, 3, 6, 7 में से 2 गया तो 5, 55 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 55, हाँ ठीक है। और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा ढंग से, ठीक है, नहीं आया है तो इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर बहुत बढ़िया बात है, इंस्टाग्राम पे सुमित रेडार, ठीक है, उनको सर्च करो, और टेलीग्राम पे मिलेगा, अभी चैनल बनाएंगे टेलीग्राम पे यार अभी, ठीक है, टेलीग्राम पे अभी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो 23 की पावर 491 इंटू में, इंटू नहीं है प्लस है, प्लस का अर्थ है प्लस जोड़ना है, माइनस आ जाए तो घटाना है और गुणा आए तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनको याद रखना, 491, अब बताना है कितना 26 से, ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पोज करके एक बार खुद से ट्राई करो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, नहीं तो मैं करवा ही रहूँ। 26 है, 26 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देगा -3, यहाँ क्या देगा -3, -3 की पावर 491, 3 की पावर 491 सोल्व नहीं होगी, ठीक है, घबराओ मत, मेरे साथ जुड़े हो बिड़ा के रहेंगे। 26 है, 29 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 3, माइनस का 3 की पावर इतनी है, एक प्लस का 3 की पावर इतनी है, जब खुल के कुछ आएगा तो इसका आंसर आएगा माइनस में, इसका खुल के आएगा तो इसका आंसर आएगा प्लस में, सेम आंसर आएंगे, दोनों मिलेंगे और आंसर दोनों जाएंगे कट, और आंसर कितना बना देंगे 0, तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा पूरा कटेगा। फीलिंग आता है भरा मेरा दिल टूटेगा ना। क्वेश्चन है नेक्स्ट भाई, 29 की पावर 60 बटे 9, डिवाइड में क्या है 9, ठीक है,
अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है, इसको कैसे सोल्व किया जाए, 29 की पावर 29 27, ठीक है, मुझे नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, अरे यार टाइपिंग मिस्टेक कर दई, 29 नहीं है पुफा, ये 29 नहीं है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 27 है, 27 की पावर है 60 और ये है 9, ठीक है, 9 3 27 है तो पूरा ही कट गया, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, नहीं नहीं सही है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है सही, 29 क्वेश्चन है सही, ठीक है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, समझने में थोड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है, यह है 29 की पावर, ये कितना है 60, ठीक है, 29 की पावर 60 है, अब हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2, 2 बचेगा, 2 की पावर क्या आएगी 60, बचे में फिर से 9, क्योंकि ये तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, 2 की पावर खोलो और फिर 9 को करो, ठीक है, अब क्या करें, अब हमें पता है 2 की पावर 3 करें और इसकी पावर 20 करें और बटे में 9 करें, ये तो बता दिया, 20 को ऐसे लिख सकते, 60 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो बन जाएगा 8 की पावर 20 बटे 9, ये 8 कैसे आया आपको समझ में आ गया ना भाई, 2 की पावर क्या करें, क्या किया हमने, 2 की पावर को ऐसे फॉर्मेट में तोड़ा जैसे 9 के 8 या 9 8 से 9 से 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो, तो 9 से 1 कम ज़्यादा क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है जो कि 8 आती है, ठीक है, तो 3 होती है, तो इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है, बाहर तो 3 तो ये 20, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 60 बना देंगे वापस से, पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 20 हो गया, अब क्या होगा, अब इसको भाग देंगे तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन है तो 1 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये, तो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हाथ, तो 2 की पावर 72 96, 2 की पावर 72 बटे 96, ये है कैंसिलेशन थ्योरम के ऊपर डिपेंड, ठीक है, कैंसिलेशन थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, तो कैसे होगा ये, ठीक है, कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसको बताते हैं, कैंसिलेशन थ्योरम बताई थी कभी भी कोई बड़ी हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, अब एक बात बताओ, 2 की पावर ऐसी है जो 96 के एक फालतू हो या एक कम हो, 2 की पावर बताता हूँ, देखो मैं 2 की पावर याद नहीं हो तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4, 2 की पावर 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8, ठीक है, 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16, ठीक है, 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32, 2 की पावर 6 होता है वो होता है 64, 2 की पावर 7 होता है वो होता है 128, ठीक है, यहीं से समझ में आ गया होगा, 2 की पावर 8 होता है 256, एक बात बताओ क्या 96 के आसपास है कोई सी डिजिट, ठीक है, कोई 96 के आसपास है, कोई दिख रही है कुछ, नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब है ये टूटेगी, और किस में टूटेगी, एक बात बताओ, 32 तिया क्या होता है 96, ठीक है, 32 तिया क्या होता है 96, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी 2 की पावर 5 और इंटू में 3 लिख दें 96 को, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 की पावर 72 है ऊपर, 2 की पावर 5 इसमें से कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 की पावर 72 में से 2 की पावर 5 कटी, तो 2 की पावर 5 70 3 गए तो 67, 2 की पावर 67 यहाँ बचेगी, ठीक है, 2 की पावर कितनी बचेगी 67 यहाँ बच जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 की पावर 67 यहाँ बचेगी, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, 2 की पावर 67 बटे 3 है अपने पास, याद रखो जो कैंसिल हुआ है ना 2 की पावर 5, इसको अलग से ले लेना, इसको क्या ले लेना, अलग से लेना, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई भी करना होता है कैंसिलेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग,
तो ये है ऊपर एक, तो माइनस वन निकालेगा, ठीक है, माइनस वन निकालेगा तो माइनस वन की पावर साठ तीन बासठ, ठीक है, माइनस वन की पावर ये करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का वन, ठीक है, माइनस की पावर एक सौ सड़सठ करेंगे तो माइनस वन ही आंसर आएगा। माइनस वन को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 125। अरे यार गड़बड़ कर दी, दो की पावर पाँच होता है 32, दो की पावर पाँच क्या होता है 32, तो माइनस का आंसर कितना आएगा, माइनस का 32। अब आपको पता है कि माइनस का आंसर तो होता नहीं है, तो माइनस का 32 का आंसर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 96 माइनस में 32 करेंगे तो क्या बचेगा, 4 और 6 64 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4 6 64 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें सारी, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, पाँच की पावर 500 बटे 500। हाँ बढ़िया, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, अब इसका क्या किया जाए, अब कैंसिलेशन थ्योरम बताती है। पहले एक बात आप ये बताओगे कि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था 7 की पावर 400 बटे 400, तो हमने क्या किया, देखा कि 7 की पावर कितनी कोई ऐसी है जो 400 के पहाड़े में आए और एक प्लस माइनस हो जाए, तो हमें आया था कि 7 की पावर 4 है वो 2401 आई थी, क्योंकि 4 6 24 करके एक फालतू थी। यहाँ बात करते हैं तो 500 की पावरों को लेके चलते हैं, तो 500 में क्या गड़बड़ है, 5 की पावर 1 होता है, 5 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, और 5 की पावर 4 जो होता है वो होता है 625, ठीक है, 500 में तो कोई आ नहीं रही 625, ठीक है, और 5 की पावर 5 होगा, इकतीस पच्चीस है ना, ये बनेगा, ठीक है, पर ये तो समझ में आ रहा है कि 500 के पहाड़े में या प्लस माइनस में एक आ नहीं रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 125 इंटू में 4, 25 चौका 100 और ये मतलब 125 इंटू में 4 होता है 500, ठीक है, अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में 4, ऊपर ये जो है डिजाइन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देख नीचे तार के लाता हूँ, 5 की पावर 3 हमें ऊपर नीचे काटना है, तो क्या करें, हम 5 की पावर 3 तो यहाँ लें 500 में से 5 की पावर 3 गया तो 500 में से कितना बचा, 5 की पावर 497 बचा, ठीक है, 497 बचा और नीचे बचा 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 4। याद रखना मल्टीप्लाई में प्लस माइनस होता है, और ऐसे वाले डिजाइन में यहाँ यदि 2 होता तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 6, ठीक है, और 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, इसका मतलब होता है 5 की पावर, इन दोनों का जोड़ होगा 5, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस होंगी गुणा, मतलब पावरें सेम बेस सेम है तो, और वैसे ये मतलब गुणा होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको मतलब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो 5 की पावर 3 याद रखना आखिरी में आंसर में ये काम आएगी, 5 की पावर 3 क्या आएगी आखिरी में काम। अब एक बात बताओ, 4 को वो करना है 5 पे करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 497 क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा, 1 पॉजिटिव आया है तो सीधी बात है कि इसको ही मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, मतलब इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा अपना 125, आंसर कितना आएगा अपना 125। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 125, तो देख के सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, और हाय मम्मी साइक्लिसिटी ओ टोर एंटरटेनमेंट, तो आज को बस इतना ही करते हैं यार, है ना।
बहुत है। कल बताते हैं आपको एक नया पॉइंट इसी में और ख़त्म कर देंगे जल्दी रिमाइंडर थ्योरम को, और फिर इसके क्वेश्चन 2-3 पार्ट में ख़त्म करके इसको नक्की करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो मैं एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थ्योरम है जो कि अभी थोड़ी देर में तो समझ में आएगी नहीं, ठीक है, और मैं बाद में पढ़ाऊँगा उसको। बात ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और अच्छी लगन के साथ, अच्छी मेहनत के साथ और जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अपना एक रेडार डेली अपडेट करके या कुछ नाम से, मतलब कुछ भी बना के एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप कनेक्ट हो जाना टेलीग्राम में, ठीक है। वहाँ मैं PDF डालनी शुरू करूँगा अब से। ये लिंक वाला सिस्टम समझ में थोड़ा कम आता है, और आता तो है पर उसको लिंक ऑन करना, पता नहीं क्या क्या झंझट करना पड़ता है, तब होता है। तो उसमें मैं डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड करें, है ना, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और शायद आपने टेलीग्राम इंडिया का है, इंडिया, हाँ इंडिया का ही होगा, वो डाउनलोड भी कर रखा होगा, ठीक है। तो उसको ऑन करो और उसमें मैं आपको लिंक दूंगा, उसको आप कनेक्ट करें, ठीक है। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, और जाते जाते ये बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और PDF जो देता हूँ उनको सोल्व करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी जहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट आपसे हो सके वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, या फ़ोन नंबर है तो फ़ोन पे कॉल कर ले, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको सीधे ही, ठीक है। आपको पहले सोल्व करके दूँगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो भी दे दूँगा, ठीक है, वीडियो बना के भेज दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो कॉल पर भी सोल्व करवा दूँगा। पर आप बस अच्छे से करते रहो इस चीज़ को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जल्दी ही इस सीज़न को हम दिन में शिफ्ट करेंगे और लाइव आया करेंगे, ठीक है, आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे, जब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती नहीं, ये होनी बंद हो जाएगी। और चलिए यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।